अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं और दो पहिया वाहन चलाते समय ISI मार्क हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। गाजियाबाद में नकली हेलमेट बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, जो कि फर्जी तौर पर ISI मार्क का इस्तेमाल कर रही थी। हेलमेट फैक्ट्री पर मानक विभाग और पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के करहेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में अचानक से मानक विभाग और पुलिस की टीम फैक्ट्री पर जा पहुंची। यहां पर 1000 से ज्यादा हेलमेट रखे हुए थे जिन पर ISI मार्क लगा हुआ था और वे बनाए जा रहे थे, लेकिन मानक विभाग के मुताबिक ये ISI मार्क फर्जी था, यानी कि साफ तौर पर हेलमेट की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा था। थोड़े से मुनाफे के लिए रोड पर चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। हमारा जो भारतीय मानक ब्यूरो है वो फैक्ट्रीज को ISI मार्क का लाइसेंस प्रदान करता है, जो भी ISI मार्क की क्वालिटी के अनुरूप अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमें ये खबर मिली कि एक फैक्ट्री है जिनको लाइसेंस नहीं प्राप्त है, ISI उनको नहीं मान्यता है ISI लगाने की अपने प्रोडक्ट में, वो ISI मार्क का हेलमेट बना रहा है। तो आपको पता है हेलमेट बहुत ही ज़्यादा इस समय इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, आप सड़क पर चल रहे हो, हादसे का शिकार लोग हो रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, क्यों उसका एक रीज़न ये भी है कि जो क्वालिटी अनुरूप प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो हम इस चीज़ को बस सीरियसली लेते हैं। हमारे पास जैसे ही कंप्लेन आई कि एक फैक्ट्री है जो ISI मार्क लगा रही है अपने हेलमेट पे और उनके पास लाइसेंस नहीं है, भारतीय मानक ब्यूरो से उनके पास में परमिशन नहीं आई ISI मार्क बनाने की, तो हमने यहाँ पर फिर रेड करी। यहाँ पर हमें जितना भी सामान मिला वो हमने देखा, ये गिल्टी हमें लगा कि फैक्ट्री गिल्टी है। हमने उनका सामान सर्च और सीजर में जब्त किया है। और किन किन मामलों में धारावाही करी है आपने? ये PIS एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग इनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। अक्सर लोग ISI मार्क देखकर हेलमेट इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाती है, लेकिन जब ISI मार्क का गलत इस्तेमाल हो रहा हो तो उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पता चला है कि ISI का लाइसेंस खत्म होने के बाद भी फैक्ट्री ISI मार्क का इस्तेमाल कर रही थी। फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और 1000 से ज्यादा हेलमेट जब्त कर लिए गए हैं। दरअसल हाल ही में नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक हेलमेट पहनने को लेकर काफी ज्यादा सख्ती कर दी गई है, इसके बाद से हेलमेट की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में इस तरह की फैक्ट्रियां आनन-फानन में नकली हेलमेट बनाने का काम कर रही हैं, जो कि बेहद खौफनाक साबित हो सकता है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अब तक फैक्ट्री कितने हेलमेट बाजार में बेच चुकी है इसका खुलासा भी जल्द किया जाएगा। गाजियाबाद से न्यूज़ के लिए बंटी जैन की रिपोर्ट।